Welcome to Kuala Lumpur! जो आप टिकट है वो आप काउंटर से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, trip.com से बुक कर सकते हैं। और मैंने काउंटर से लिया, सेल्फ चेक इन मशीन था, 18 रिंगिट में रिटर्न स्काई केबल मिल गया, और जो 360 जो ग्लास वाला है वो है 30 रिंगिट वन वे का, और टू वे का 60 रिंगिट। टू वे का चेक नहीं किया हूँ, 60 रिंगिट मैंने अपने मन से बोला है, बट वो थोड़ा महंगा है, और नॉर्मल जो है वो 10 रिंगिट है वन वे, और टू वे 18 रिंगिट। जय जोहार छत्तीसगढ़, हम जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर गिंटिंग हाइलैंड्स। भाई अगर आप कुआलालंपुर आते हो गिंटिंग हाइलैंड्स और बातू कैप्स नहीं गए तो क्या गए? भाई मैं पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। और कुआलालंपुर में कहां कहां जा सकते हैं और कितने प्राइस में और कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, पूरा डिटेल मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। और मेरे पीछे का आप नजारा देख रहे हो, भाई मैंने ये डब्बा पूरा बुक कर दिया। हाँ, ऐसा बात नहीं है, अगर आप अकेले हो तो जितने भी ग्रुप है एक एक डब्बे में आप घुस सकते हो, कंटिन्यूअसली डब्बा चलता रहता है। ये स्काई डब्बा जो भी है, इसको क्या बोलते हैं नहीं पता मेरे को जो नजारा इतना मजा आ रहा है ना, सब चीज होश उड़ गया भाई। तो इस वीडियो पे मैं पूरा कुआलालंपुर का आपको टूर देने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा वो हर लोकेशन में किस तरीके से पहुंचा जाए बिना कोई टूर पैकेज बुक करे, वो भी सस्ते दामों में। ओ भाई इसका मजा जरूर लेना, मात्र 10 रिंगिट मतलब 18 रिंगिट में अप एंड डाउन है। और भाई अगर आपके पास कार है या बाइक है तो आप डायरेक्ट चल के आ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई इसका मजा लेना जरूरी है, बहुत सही जगह है और बहुत सही एक्सपीरियंस है। 18 रिंगिट मान के चलो, ऑलमोस्ट 350 रुपए में आना और जाना, और ये नजारा देखो यार। भाई साहब बस यार, अब मैं अपना स्टेशन पहुंचने वाला हूँ अपसाइड में, अब अपसाइड का मजा लेते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन आप कुआलालंपुर आते हो तो गिंटिंग हाइलैंड्स और बातू कैप्स ये दो ऐसे जगह हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई ये जो जगह है जरूर आना, क्योंकि भाई मजा आ गया। अब मैं पहुंच चुका हूं अपने स्टेशन, अब हम गिंटिंग हाइलैंड्स के हाइट पे पहुंच चुके हैं। सच में यार मलेशिया में ये चीज मेरे को बहुत मजा आया। कुआलालंपुर में भाई अगर आओ तो ये दो लोकेशन में जो बोल रहा हूँ ना, बातू केव्स और गिंटिंग हाइलैंड्स, मत छोड़ना। अगर सच में मलेशिया आना चाहते हो, सच में फन करना चाहते हो, तो ये दो जगह है, आप सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। और बरसात का मौसम है तो आपके लिए मज़ा ही मज़ा है।
तो केएल सेंट्रल से अगर आपका सिर्फ एक दिन का टूर है और गिनतिंग हाईलैंड्स और बातू केव्स दोनों कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मैं सिंपल सा रास्ता बताता हूँ। 10 रिंगेट केएल सेंट्रल से गिनतिंग हाईलैंड्स के लिए बस पकड़िए, यहाँ पर घूमिए, चिल कीजिए, और यहीं से पक्का लीलिंग के लिए जो बस चलती है वो भी 10 रिंगिट है, वहाँ पर उतरिए और वहाँ से 173 का बस पकड़ के आप सीधा बातू केव्स पहुँच सकते हो। बातू केव्स मात्र 1 से 2 घंटा में कवर हो जाएगा। वहाँ से KTM ट्रेन चलता है सीधा केएल सेंट्रल के लिए, जिसकी प्राइस है 2 से 3 रिंगिट के बीच में, ठीक है। अगर आप सिर्फ गिनतिंग हाईलैंड्स का एक दिन का टूर करना चाहते हैं तो केएल सेंट्रल से बस पकड़िए, 10 रिंगिट आना और 10 रिंगिट जाना, 20 रिंगिट में आना और जाना, ये हो सकता है। ग्रैब भी आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ग्रैब आपको महंगा पड़ेगा, ऑलमोस्ट 40 से 50 रिंगिट, मान के चलो 1000 रुपये पड़ेगा अगर यहाँ से वहाँ जाना है या वहाँ से यहाँ आना है। तो मेरे हिसाब से आप बस पकड़िए, सुबह सुबह बस पकड़िए, यहाँ आइए, 1 घंटे का रास्ता है केएल सेंट्रल से यहाँ बस में। सुबह अगर आते हो तो दोपहर वगैरह में आते हो तो शायद 2 घंटा लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक के कारण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेन नहीं चलता है, लोकल ट्रेन जो है नहीं चलता है, क्योंकि ये जो प्लेस है ये हाइट में है, तो आपको बस में आना पड़ेगा, या आपकी अगर प्राइवेट कार है तो आपको उस कार लेने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिस्ट टेम्पल है और इसका इंजॉय कर सकते हैं, और ऊपर एम्यूजमेंट पार्क है, आप वहाँ पर भी चिल कर सकते हैं, आप पूरा दिन भी बिता सकते हैं, या 2 से 3 घंटा यहाँ पर बिताइए, 2 से 3 घंटा बातू केव्स में बिताइए, आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए पूरा रास्ता A to Z बता दिया, आप चलो मेरा वीडियो को सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय करिए। अब मैं इसके ऊपर चढ़ूँगा, ये टेम्पल है जो ड्रैगन के पूंछ के शेप में बना हुआ है, तो इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, 9th फ्लोर तक चढ़ना है। जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ड्रैगन के पूंछ के तरह गोल 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 है। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं, और वैसे मौसम भी काफ़ी धुंध भरा हो चुका है, काफ़ी मस्त हो चुका है, तो चलो ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा दिखता है। पहुँच गया लास्ट फ्लोर तक, लेवल 9 दिखा रहा है, मेरे को ऐसा लगा मैं 18 मंजिल चढ़ गया। ओ भाई, हो 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 हो, इसको बोलते हैं ना नज़ारा, आहा हा 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 भाई, कितना ऊपर पहुंच गया तुम्हारा भाई, छत्तीसगढ़िया घुमक्कड़ पूरा तो नहीं देख रहा है, पहुंच के थोड़े से टाइम में मैं कितना सारा मेहनत कर लेता हूँ, हाँ हाँ मज़ा आ गया, इतना सारा शूट कर लिया मैं मात्र 2 घंटे में। अब मैं निकलूँगा बातू केव्स के लिए, दूसरा लोकेशन। बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे, और नर्क जाओगे तो कुछ इस तरीके से सजा मिलेगी, और अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग की जिंदगी कुछ ऐसा होता है।
अब हम पहुंच चुके हैं एम्यूजमेंट पार्क स्टेशन में, और ये केबल कार के अलग अलग स्टेशन हैं, वो अलग अलग स्टेशन में भी आप उतर सकते हो और फिर से चढ़ सकते हो। ₹18 जो रिटर्न है ये नीचे से लेकर लास्ट स्टॉप तक है, तो आप बार बार चढ़ उतर सकते हो, आपके स्टॉपेज आपको जहां उतरना है और चढ़ना है। और एक बार आप नीचे उतर गए तो उसके बाद फिर से आपको टिकट करा के वापस आना पड़ेगा। आज है इसकी मंगलवार, तो है बंद। आने के लिए आप जो KMT ट्रेन है वो ले सकते हैं, और KMT जो ट्रेन है ये कार्ड वर्क करता है। मात्र बातू KMS और KL सेंट्रल की प्राइस है ₹3 के अंदर, 2.60 के आसपास है, तो काफ़ी चीप प्राइस है। आधा घंटे का जर्नी है तो आराम से आप आ सकते हैं। कैलाश एंड मानसरोवर यात्रा, पहला ग्रुप 21 जुलाई 4 अगस्त तक है और दूसरा ग्रुप 11 अगस्त से 25 अगस्त तक का है। अगर आपको टूर बुक करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई मलेशिया में भी इंडिया का टूर मिल रहा है, सही है भाई, जय हिंद। फूल वगैरह रखा हुआ है, आप यहां से ख़रीद के मंदिर पे चढ़ा सकते हो। अभी सुबह सुबह का वक्त है तो इसलिए शायद खरीदो वाला सीन नहीं हो रहा है, अगर आप थोड़ा लेट आते हो तो शायद वो सीन मिले आपको। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये कार्तिक जी का स्टैचू है जो कि 140 फीट ऊंचा है। यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, आप सीधा जो KL सेंट्रल है वहाँ से आप KTM लेके सीधा बादू केव स्टेशन पे उतर सकते हो, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ तक पहुँचने का, ऑलमोस्ट 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाओगे। अंदर तक का और अंदर कैसा दिखता है, कैसा है, क्या सेम हिंदू जैसा हिंदुओं जैसा है जैसे हमारे इंडिया में होता है नहीं होता है, वो सब जानते हैं।
आगे। तो चलिए अब मैं चढ़ूंगा 272 सीढ़ी, कलरफुल वाला सीढ़ी। तो चलते हैं अब ऊपर के की ओर दर्शन करने 272 सीढ़ियों का। सौ बहत्तर सीढ़ी चढ़ लिया सिर्फ 7 मिनट में। हाँ, पूरा शूट नहीं करना था भाई। ठीक है, फिट हो तो आप चढ़ जाओगे फटाक फटाक से, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोकेशन कवर अप करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 लोकेशन कवर अप करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी जाने का। तो जन हो गया है, अब थोड़ा सा अंदर जाके प्रार्थना उठना कर लेंगे, भगवान से हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने। सही रहा, बस यहाँ पर बंदरों से थोड़ा डर है, काफ़ी बंदर है। अरे भाई निकल ले रहे भैया। भाई जानवरों से मेरे को बहुत डर लगता है। हाँ, पहुँच चुका हूँ टेम्पल। उसके बाद एक ऊपर जाने का और रास्ता है, देखते हैं और क्या है आगे। तो कुछ होगा 50-60 सीढ़ी, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। वो जो है वो तो फेमस है 272 सीढ़ी के नाम से। देखते हैं ऊपर अपने को क्या मिलता है। Thank you.
अब हम जा रहे हैं अपने लिटिल इंडिया, फ्यूचरिस्टिक इंडिया में। हमारा इंडिया अभी तो ऐसा नहीं बना है, तो क्या हुआ हम मलेशिया का इंडिया में चिल कर लेते हैं। हाँ तो अब हम तो भाई इतना धूप हो रखा है ना, बहुत सारा फंबलिंग हो रहा है, तो इग्नोर कर देना। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मलेशिया का लिटिल इंडिया में, और देखते हैं कैसा है अपना ये लिटिल इंडिया। और सबसे पहली बात, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केएल सेंट्रल बस टर्मिनल, केएल सेंट्रल ट्रेन, जैसे भी आप केएल सेंट्रल तक पहुँच जाते हो, जिससे जैसा भी आपके जहाँ एरिया है, होटल है, जहाँ से भी आप केएल सेंट्रल पहुँचते हो, वहाँ से उतरते ही स्टेशन जो है मॉल के अंदर है, तो मॉल के बाहर निकलते ही बस कुछ दूर चलते ही आपको लिटिल इंडिया मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिलेगा दही बड़ा, समोसा, जलेबी, पानी पूरी, गुपचुप, और क्या मिलेगा भाई, इडली, डोसा, सांभर। भाई पूरा साउथ इंडियन मामले दिख रहा है भाई, एकदम पूरा इंडियन है यहाँ पे। इस अगर आप इंडियन हो और मलेशिया आए हो और मिनी इंडिया मिस किया मलेशिया में, तो फिर सब चीज़ मिस कर दिया। ऐसा भी कुछ ही नहीं है, बट यहाँ पर एक बार तो टूरिस्ट लाइक आप रेस्टोरेंट पे खाना खाना तो ज़रूर बनता है। कौन सा है? पूरा इंडिया फील आ रहा है मेरे को, बस फील हो रहा है कि मैं एडवांस इंडिया में आ चुका हूँ, एक ऐसा इंडिया जो हमारा फ्यूचर हो सकता है, शायद इससे भी अच्छा इंडिया बन सके एक दिन, और जब तक नहीं बन रहा तब तक ये इंडिया का मज़ा ले लेता हूँ, फॉरेन में भी इंडिया का मज़ा। सही है, सब चीज़ कॉपी है, मतलब हमारा इंडिया का आधा इंडिया, मतलब जो बोल सकते हैं मिनी इंडिया, पूरा बस चुका है इधर। और देखते हैं, पूरा राउंड अप करते हैं। भाई अगर मलेशिया में हो और लिटिल इंडिया आते हो, तो आपको इंडियन ग्रोसरी यहीं मिल जाएगा सब। और बहुत गर्मी था तो चाय तो नहीं पिया, लेकिन मैंगो लस्सी पिया, बहुत सही था भाई, बहुत सही था, बहुत ठंडक महसूस हुआ, बहुत मज़ा आया। और जो प्राइस था ना भाई, मैं उस साइड में था लिटिल इंडिया से आगे, वहाँ पर जो प्राइस था वो डबल प्राइस था, और यहाँ जो प्राइस है बहुत कम दाम में मिल गया मेरे को, मतलब सही था प्राइस, अच्छा, और खाना भी अच्छा था। और खाना तो अभी ट्राई नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम अगर वापस आना हुआ तो ज़रूर ट्राई करूँगा, प्राइस रिजनेबल रहेगा मुझे। तमिल सॉन्ग, पूरा तमिल एरिया है, मतलब साउथ इंडिया यहाँ के बस चुका है, तो आप बोल सकते हो मिनी इंडिया।